This story is inspired by Zero Aperture Production PVT Limited. Zeppel is a video network dedicated to the untold, overlooked, to tell their stories. Namaskar, mitro. मैं बलवंत जोशी मैं चित्र बनाता हूँ और चित्रकार के रूप में मेरा काम कर रहा हूँ। मेरा जन्म 1928 में चोटीला में हुआ था। अभी मैं चित्रकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादातर जहाँ महात्मा गांधी जी ने अभ्यास किया था वो आल्फ्रेड हाई स्कूल में 35 ईयर्स चित्र शिक्षक तरीके सेवा दी है। मैंने कुल 80 चित्रकला का अवार्ड मिला है। राज्य कक्षा का 4 इनाम मिला है और राष्ट्रीय कक्षा का 14 इनाम मिला है। खास ये कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ना प्रथम कक्षा का 3 इनाम मिला है और ऑल इंडिया कालिदास समारोह में महाकवि कालिदास का जो अलग अलग श्रेष्ठ पुस्तक है रघुवंश मालविका अग्निमित्र शाकुंतल ये सब में मैंने पेंटिंग किया है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहेब ने मुझे चित्रकला के क्षेत्र में मेरा सम्मान किया है। 84 में दिल्ली में बड़ा प्रधान नरसिंह राव ने मेरा सम्मान किया था। मैं जब 8 साल का था तब मेरे पिता ने ही रूम में राजा रवि वर्मा का जो चित्र है वो दीवार पर रखते थे। ये चित्र देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि उसमें से प्रेरणा लेकर मैं भी थोड़ा सा चित्र बनाऊं और मुझे इस चित्र बनाने की प्रेरणा ये चित्र में से मिली और बाद में भी मैं चित्र बनाने लगा। मैं अहमदाबाद मेरा जो काका है श्री धूमकेतु जी उसके पास जाता था तब उनको मैं चित्र लेकर बताकर उसमें से प्रेरणा लेता था। वो मुझे अहमदाबाद में श्री चित्रकार श्री रविशंकर जो रावल है उसके पास ले जाते थे और मेरा चित्र रविशंकर रावल को बताते थे। श्री रविशंकर रावल जी मुझे चित्र में क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से चित्र बनाना अच्छा चित्र बनाने की प्रेरणा श्री रविशंकर रावल जी ने मुझे दी। पहले मैं जब चित्र देखता था तब मुझे भिन्न भिन्न स्टाइल का आकर्षण लगता था। उसमें से मुझे खास करके नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ ठाकुर वगैरह का चित्र देखकर वॉश पेंटिंग की प्रेरणा मिली। मैं पहले वॉश पेंटिंग बनाने की इच्छा रखता था और थोड़ा सा चित्र मैंने वॉश पेंटिंग में भी बनाया परंतु बाद में मुझे लगा कि मुझे मेरी स्टाइल अपनी स्टाइल बनाने के लिए मैंने सोचा और उसके बाद वॉश पेंटिंग बनाने का पूर्ण विराम रखा। बाद में मैं सौराष्ट्र और कच्छ की ग्रामीण शैली और इंडियन शैली दोनों को मिलकर मेरी अपनी स्टाइल बनाने का प्रेरणा मिली। ज्यादातर 2 डायमेंशन दूसरा ग्राम सौंदर्य और तीसरा माटी की महक का रंगो मुख्य काम उपयोग मैं करता हूँ। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए ये जो काव्य है उस पर से मैंने 4 फीट बाई 3 फीट का ऑयल पेंटिंग बनाया है और ये सब राजकोट में महात्मा गांधी विद्यालय में ये गांधी स्मृति खंड में रखा गया है। ये जो स्टूडेंट है ये चित्रकला के रूप में वॉटर कलर ऑयल कलर लाइन ड्राइंग मैं अपनी अच्छी तरह से उपयोग करता हूँ और ये जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं वो सबको मैं प्रेम से अच्छी तरह से सिखाता हूँ। आप सबको मिलकर खुशी हुई और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।